नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कल के बाजार के क्या आउटलुक होंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबल ट्रेड दिख सकता है, और एक ऐसे स्टॉक को डिस्कस करेंगे जो यहाँ से आउट परफॉर्म करते दिख सकता है। ब्लू चिप स्टॉक है तो ज्यादा रिस्क भी नहीं है। तो एपिसोड में आगे बढ़ें उससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन करें और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। सबसे पहले निफ्टी को डिस्कस करेंगे और निफ्टी में सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे देखें। वीकली टाइम फ्रेम पे क्या जो अर्लियर सपोर्ट था लगभग लगभग 21,240-300 के आसपास का, यहाँ देखेंगे निफ्टी ने एक मेजर सपोर्ट लिया जो अर्लियर भी ये कंसोलिडेट के बाद धीरे धीरे ट्रेंड करा और प्रीवियस वीक के ऊपर की क्लोजिंग रही है। यानी निफ्टी के टेक्निकल ट्रेंड काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं। बहुत सारे लोग एक क्रैश अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये अनफिल्ड गैप डाउन के फील को लेकर के, अनफिल्ड गैप अप के फील को लेकर के, लेकिन एज ऑफ नाउ जो वीकली टाइम फ्रेम है वो काफी स्ट्रांग है, और स्ट्रांग इसीलिए है क्योंकि प्रीवियस वीक के ऊपर की क्लोजिंग दिख चुका है। और आपको पता भी होगा कि प्रधानमंत्री आज शपथ ले रहे हैं, उसके बाद किस प्रकार के कैबिनेट एलोकेट किया जाता है उसके कारण भी ट्रेंड दिख सकता है। आंध्रा के जो लीडर हैं टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, उनके रिलेटेड काफी स्टॉक ट्रेंडिंग रहा है, जैसे हेरिटेज फूड, अवंती फीड, उसके बाद केएनआर कंस्ट्रक्शन, उसके अलावे भी देखेंगे अमर राजा बैटरी जैसे स्टॉक आउट परफॉर्म करा है। तो हमने मोदी 3.0 के बेस्ट स्टॉक पीछे हमने अपलोड करा, उसको जाकर के एक बार वॉचआउट जरूर करेंगे। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे थोड़े यहाँ पे कॉशन जैसे लगते हैं। क्यों लगते हैं इसको पहले समझें कि क्यों कॉशन दिखता है डेली टाइम फ्रेम पे। इसको यहाँ देखेंगे, ये जो रेंज है ऊपर का रेंज यहाँ देखेंगे, ये वाला और ये वाला, ये एक रेंज है जहां मेजर रेजिस्टेंस है, और या इस लेवल से ही देखेंगे तो बड़े ब्रेकडाउन भी दिख सकता है। यहां से ही देखें तो एक बड़ा ब्रेकडाउन भी अगेन इस लेवल का दिख सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे थोड़ा मुझे लगता है कॉशन होना चाहिए, या फ्रेश लॉन्ग हमको कब करना है, जब मिनिमम 22,340 ये वाला जो लेवल है 22,340 को ब्रेकआउट करे उसके बाद ही फ्रेश लॉन्ग। ये लेवल ब्रेकआउट हुआ तो फिर ये 600 जैसे लेवल्स को भी दिखेगा। तो डेली टाइम फ्रेम पे ये एक लास्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है और नीचे के तरफ 22,260 एक लास्ट सपोर्ट दिख रहा है, जिसके ब्रेकडाउन के बाद ही हम बड़े निगेटिव ट्रेंड एक्सपेक्ट करेंगे। अब मैं सभी ड्रॉइंग को हटा देता हूँ और टेक्निकल ट्रेंड को देखेंगे। सबसे पहले इस चीज को याद रखें, यहाँ से बाजार 600 पॉइंट भाग चुका है, तो हो सकता है कि एक बार रिट्रेस करने आए और फिर यहां से कंटिन्यू करे। इस चीज को कभी हम जो है इग्नोर नहीं करेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, ऊपर ये और नीचे ये, इसको नहीं भी लेंगे तो 260 वाला जो लेवल है ये, आप इस चीज को समझ लें और ध्यान से समझें कि ये जो रेंज है, ये जो पूरा रेंज आपको दिख रहा है, इस रेंज को हम बोलेंगे कंसोलिडेट रेंज। क्या है कंसोलिडेट रेंज? 23,260 और 22,340, ये रेंज कंसोलिडेट यानी नो ट्रेडिंग जोन रेंज है। आप ये मान करके चलिए कि इस रेंज में कहीं खुला और ऊपर 22,340 के लेवल को ब्रेकआउट किया तो हम लॉन्ग के ट्रेड में जाएंगे, और इस लॉन्ग के ट्रेड में पहला टारगेट 22,390, 22,450 और 22,23 करेंगे। इसको 23,520 प्लस तक का लेवल दिखेगा, लेकिन कब? जब या तो इस रेंज में खुले या इसके ऊपर गैप अप हो और इस रेंज को ब्रेकडाउन नहीं करे। और जो रिवर्सल का सपोर्ट का जो लेवल होगा, पहला सपोर्ट यहां देखेंगे 23,220 और 23,250, ये पहला सपोर्ट होगा, और दूसरा सपोर्ट जो है वो 22, 23,
160 का सपोर्ट होगा। ये दो सपोर्ट कॉल वाले के लिए होगा, लेकिन अगेन याद रखें एक बड़ा गैप अप ही हो जाए 23,420 और 500 के बीच में तो डायरेक्ट ट्रेड लेने से बचेंगे, फिर आप रिवर्सल का वेट करेंगे। ठीक वैसे ही अगर इस रेंज में ट्रेड होने के बाद 23,240 को ब्रेक डाउन करे, 260 को ब्रेक डाउन करे, तो फिर नीचे के ट्रेड को लेंगे, क्योंकि ये कंसोलिडेट और ये ट्रेंड लाइन दोनों ही ब्रेक डाउन होगा तो फिर पहला टारगेट 23,220, ये देखेंगे 23,220 का टारगेट आएगा, दूसरा 23,160 और उसके बाद 23,120 से लेकर के 23,000 तक के भी लेवल्स दिख सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, इस रेंज में कहीं फ्लैट खुले और तब ब्रेक डाउन करे तो, नहीं तो अगर इसको ब्रेकआउट कर रहा है फिर आप 23,420 और 23,550 यहां पुट के रिवर्सल के लिए वेट करेंगे। अगेन मैं कह रहा हूं, अगर इस रेंज में कहीं खुल करके ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करे तो बड़े ट्रेंड को लेंगे, अगर गैप डाउन ही हो गया तो हो सकता है रिवर्सल और फिर ब्रेक डाउन, और एक बड़ा गैप अप ही हो गया तो हो सकता है डायरेक्ट कंटिन्यू करे या रिवर्स करे। तो ऐसे सिनेरियो में हमको जो है प्राइस एक्शन को फॉलो करना काफी इम्पोर्टेंट होता है, फिर जो है हम बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करेंगे। बैंक निफ्टी को मैं वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो बैंक निफ्टी ने भी एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर लिया है, यहां देखेंगे नीचे ट्रेंड लाइन को मल्टीपल सपोर्ट मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है और इसने जितने भी रेजिस्टेंस थे उसको ब्रेकआउट करके क्लोजिंग जो है स्ट्रांग वीकली टाइम फ्रेम पे दिया है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम को देखें तो अभी भी इस सेक्टर में ऊपर के लिए रूम दिख रहा है, ऊपर के लिए रूम दिख रहा है। नीचे के ब्रेकडाउन प्रीवियस डे वाले लो के नीचे ही हम एक्सपेक्ट करेंगे या नहीं तो मिनिमम बॉडी के नीचे। तो अब मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझेंगे कि क्या टेक्निकल ट्रेंड दिख रहा है। यहां समझें, यहां अगर टेक्निकली आप देखेंगे तो क्या दिख रहा है, यहां टेक्निकली आपको क्या दिखेगा कि यहां से ट्रेंड कंटिन्यू डब्ल्यू पैटर्न बना, ब्रेकआउट करा, ब्रेकडाउन करा और ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो हमारे पास जो नीचे के तरफ जो एक मेजर सपोर्ट दिख रहा है, अगर नीचे के तरफ सपोर्ट की बात करें, इस ड्राइंग को मैं हटा देता हूं एक मिनट के लिए कि चलो इसको हटा दिया, हमारे लिए ये एक सपोर्ट का काम करेगा, ये पूरा ही सपोर्ट है और ऊपर में भी देखेंगे तो ये एक हेवली कंसोलिडेट जोन में हो चुका है, ये एक कंसोलिडेट जोन हो चुका है, यहां देखेंगे तो ये जोन भी जो है कंसोलिडेट जोन हो चुका है। अब प्रोबेबली यहां पे क्या दिखता है उस चीज को समझे, यहां से हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि यहां इस जोन में कहीं आए फिर ब्रेकडाउन या कंटिन्यू करते दिखे। तो ओवरऑल निगेटिव तो लेंगे नहीं, निगेटिव तो ये वाले जोन में आकर के टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन करे तभी, लेकिन अगर कॉल के ट्रेड को लेना है तो 50,000 के ऊपर, कहां 50,000 के ऊपर इस रेंज को ब्रेकआउट करने दो। अगर इसके ऊपर ही खुला तो मैक्सिमम 50,666 से लेकर के 51,160 भी दिख सकता है, इस चीज को याद रखेंगे। तो हमारा ट्रेड 50,000 के ऊपर इनिशिएट होगा, जहां पहला टारगेट जो है ये वाला जोन आप मान करके चलिए 50,220 के आसपास का होगा, दूसरा 50,440 और तीसरा 50,666 से लेकर के 51,000 का भी लेवल होगा। लेकिन कब, जब या तो इस रेंज में खुल के ब्रेकआउट करें, अगर एक बड़ा गैप अप ही हो जाए फिर थोड़ा कौशन बरतेंगे, फिर प्राइस एक्शन को फॉलो करके ट्रेड लेंगे। और कॉल के लिए जो रिवर्सल है, पहला रिवर्सल जोन 49,050 से लेकर के 49,300, ये पहला रिवर्सल, यहां से एक बड़ा रिवर्सल दिख सकता है, और दूसरा रिवर्सल तो 48,400। वैसे ही अगर पुट के ट्रेंड को देखें तो मिनिमम ये वाला रेंज, ये वाला जो रेंज है मिनिमम टूटने देंगे, या फिर अगर कंसोलिडेट खुला तो ये वाला रेंज जो कि 49,620 के लेवल को ब्रेकडाउन करे तो पुट के ट्रेंड में जाएंगे। इसके टूटने के बाद पहला 49,580, दूसरा 49,332 और तीसरा 49,070, ये तीन टारगेट दिखेगा और इसके नीचे ही सेवियर सेलिंग देखने को मिलेगी। याद रखेंगे
मिनिमम इस रेंज को टूटना चाहिए, और अगर एक बड़ा ही गैप डाउन हो जाए फिर प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, फिर लेवल्स के ज्यादा इंपोर्टेंट प्राइस एक्शन हो जाता है। और रिवर्सल के लिए पहला 50,666 और दूसरा 51,100, ये दो रिवर्सल होगा। इस समय आईटी इंडाइसेस को अगर आप देखें तो आउट परफॉर्म कर रहा है, हमने ईटीएफ भी खरीदा था और वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे आईटी में एक बड़ा रिवर्सल दिखा, और ये रिवर्सल भी कब दिखा, एक कंसोलिडेट लेवल को करने के बाद, तो प्रोबेबली है हिट कर सकता है। तो मैं चाहूंगा टेक महिंद्रा, टेक महिंद्रा जो है वो मुझे लगता है कि रडार पे लेना चाहिए। यहां सबसे पहली बात, एक स्ट्रांग बेस बना लिया है इसने, एक स्ट्रांग बेस, लोअर साइड देखेंगे ये सपोर्ट को कंटिन्यूस रिस्पेक्ट कर रहा है, अब ये एक ब्रेकआउट जैसा जोन पे है। हालांकि इसकी जो ब्रेकआउट का कंफर्मेशन है वो 1420 पे होगा, ये वाला लेवल तोड़ा तो, अगर ये वाला लेवल तोड़ा तो ये और ये दो लेवल्स दिखेंगे। लेकिन टेक्निकली वीकनेस तो बिल्कुल नहीं दिख रही है, क्योंकि सेक्टर भी आउट परफॉर्म कर रहा है, और यहाँ देखेंगे तो रीसेंट का जो रेंज रहा था ये वाला, इस रेंज को ब्रेकआउट करा, पूरा ही रेंज देखेंगे इस रेंज को, और वीकनेस मुझे लगता है कि 1265 के नीचे, यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद एक प्रोबेबिलिटी अपर ट्रेंड का दिख रहा है। इसके दो कारण ये भी हैं कि ये ट्रेंड हायर हाई हायर लो का दिख रहा है, और इसमें ये जो पहले सपोर्ट था ये थोड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे बना था, अगेन ये ब्रेकआउट करते दिख रहा है, तो यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू करते दिख सकता है। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।